मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद के एक वफ ने आज कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद सिटी जनाब सीवी आनंद साहब से उनके दफ्तर वाक़ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बंजारा हिल्स पर शहर में निकाले जाने वाले मरकजी मिलाद जुलूस के सिलसिले में मुलाकात की। इस मौके पर मैं सदर मजलिस नकीब मिल्लत अलहाज बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और कायद ऐवान मुखन्नना हबीब मिल्लत अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने कमेटी के दरख्वास्त पर जमात के अराकीन असम्बली जनाब सैयद जाफ़र हुसैन मेराज साहब और जनाब कौसर मुहीद्दीन साहब के हमरा आज हमारी कमिश्नर साहब से मुलाकात को यकीनी बनाया। हमने मिलाद जुलूस से मुतालिक एक दरख्वास्त कमिश्नर साहब के सुपुर्द की और जुलूस के कामयाब इनेकाद के सिलसिले में नुमाइंदगी और मुशावरत की गई। इंशाल्लाह ताला जहाँ तक जुलूस की तारीख का ताल्लुक है, आज 29 सफर है। इंशाल्लाह बाद मगरिब मरकजी रुएते लाल कमेटी का इजलास मुनक़िद होगा, उसके बाद चांद का जो भी ऐलान होगा उसको मद्देनज़र रखते हुए एक या दो दिन में हमारी जानिब से जुलूस की तारीख का ऐलान किया जाएगा। आज के इस वक्त में मजलिसी अराकीन असम्बली के अलावा हमारी कमेटी के सदर मौलाना सैयद शेखन अहमद कादरी शुतारी कामिल पाशा, कन्वीनियर मिलाद जुलूस मौलाना हाफिज़ मुजफ़र हुसैन खान बदना नवाजी साहब, मौलाना जॉइंट कन्वीनियर मौलाना सैयद आले रसूल कादरी हसनैन पाशा साहब, मौलाना सैयद सैफुल्ला हुसैनी कादरी साहब, मौलाना सैयद अहमदुल हुसैनी सईद कादरी साहब, मौलाना शुजाउद्दीन इफ्तिखारी साहब, मौलाना लियाकत हुसैन रजवी मुख्तार पाशा साहब और मौलाना सैयद नदीमुल्ला हुसैनी साहब के अलावा DCP साउथ जोन जनाब पी साई चैतन्या साहब भी मौजूद थे। और मैं आप तमाम के ज़रिए शमे मोहम्मदी के परवानों से गुजारिश करता हूँ कि जो कोई भी तारीख का ऐलान होगा उस दिन इस मरकजी मिलाद जुलूस में शरीक होकर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करें। शुक्रिया।